मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है कि एक ऐसे कार्यक्रम में आप हमसे जुड़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अग्निगर्भा। अग्निगर्भा कार्यक्रम जयपुर जिला की महिला विंग आम आदमी पार्टी की शुरू करने जा रही है। ये कार्यक्रम कोई आम कार्यक्रम नहीं है। आज राजस्थान में और देश में बढ़ते हुए अपराध, जो कि आप मीडिया बंधुओं से छुपे हुए नहीं है क्योंकि आप लोगों के द्वारा ही हम तक ये खबरें हम तक पहुंच रही है, तो इसी विषय पे राजस्थान की महिलाएं, मैं भी एक महिला हूं, महिलाएं डरी हुई हैं, बालिकाएं डरी हुई है, घर से निकलते हुए खौफ आता है। आज देखते हैं आंकड़े, आंकड़े जब देख रहे हैं तो उनमें बढ़ोतरी ज्यादा हो रही है। मैं ये नहीं कहना चाहती कि उन पे कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि काम तो होता है, लेकिन जो अपराधियों में जो भय व्याप्त होना चाहिए वो भय व्याप्त नहीं हो रहा है। इसी वजह से हमने सेल्फ डिफेंस का आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है, जो कि नाम है उसका अग्निगर्भा। अग्निगर्भा नाम हमने क्यों रखा? एक महिला होती है, गर्भ में एक बच्चा धारण करती है और वो अग्नि के समान होती है, लेकिन वही महिला जब सड़क पे गुजरती है तो उसके अंदर एक भय व्याप्त होता है। ये जानवर टाइप की नॉलेज वाले लोग जो हैं जीने नहीं दे रहे हैं महिलाओं को, तो आत्मरक्षा महिलाएं खुद अपनी कर सके, इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है मीडिया बंधुओं को कि आज ये कार्यक्रम जो हम करना चाह रहे हैं ये आप हर लेवल तक इसको पहुंचाएं, ताकि राजस्थान की बच्चियां बेटियां हमसे जुड़ सके। निशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है, 4 सितंबर को सबसे पहला प्रशिक्षण हम दे रहे हैं प्रताप नगर में नारायणा हृदयालय के पास में जो कच्ची बस्ती है, वहां पर कच्ची बस्ती की महिलाओं से हम शुरुआत करना चाह रहे हैं। कच्ची बस्ती की महिलाओं से इसलिए शुरुआत करना चाह रहे हैं कि आज पढ़ी लिखी महिलाएं जो हैं उनको पता होता है कि अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच की नॉलेज दे सके, उनको बता सके और उनको नॉलेज दे सके। लेकिन अभी जो कच्ची बस्ती की जो महिलाएं हैं, जो कचरा बींदने वाली जो महिलाएं हैं, वो खुद भी असुरक्षित हैं, उनकी बच्चियां असुरक्षित हैं, आए दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जा रही है। मेरे साथ में है हुमा खान है जो बगरू से ब्लॉक अध्यक्ष है, और मेरे साथ में कुसुम मीणा जी है जो हमारी कार्यकारिणी की सदस्य हैं। अगर आपका कोई सवाल है इस कार्यक्रम से रिलेटेड तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैडम विपक्ष ये कह रहा है भाजपा की तरफ से आरोप लगाया जा रहा बाबा आम आदमी पार्टी पे कि ना तो आम आदमी पार्टी का कोई विधायक है ना कोई पार्षद है, तो फिर इनको बोलने का कोई अधिकार भी नहीं और विरोध करने का अधिकार भी नहीं। आम आदमी पार्टी का नाम ही आम आदमी है। आम आदमी का मतलब हो गया कि सड़क पे गुजरने वाला एक ठेले वाला हो सकता है, एक दुकानदार हो सकता है, एक व्यापारी हो सकता है। आम आदमी का अर्थ यह है, अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, और हम आम आदमी पार्टी 2 राज्यों में सरकार बना के बैठी है, नेशनल पार्टी है, बोलने का अधिकार कैसे नहीं है? आप तो पत्रकार हो, आप पत्रकार बंधु हो, आपको तो पता है कि हमें बोलने का पूरा अधिकार है। हम आज नहीं बढ़े, देखिए बीजेपी जो है, जब बीजेपी भी थी तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे जिन्होंने नींव रखी थी, तो आप खुद मुझे बताइए कि क्या उनके पास में विधायक बना लिए थे आते आते? नहीं बनाए थे। क्या उन्होंने एमपी बना लिए थे? नहीं बनाए थे। लेकिन लगातार संघर्ष करने से आज बीजेपी देश की बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है, तो आम आदमी पार्टी भी कमजोर नहीं है। हम संघर्ष कर रहे हैं राजस्थान में, 2 राज्यों में हमारी सरकार है, आगे भी हम आगे निरंतर बढ़ते जाएंगे। मैडम जिस तरीके से बीजेपी ने जिस मैंडेट के साथ में राजस्थान में सरकार बनाई थी कि नहीं सहेगा राजस्थान, आज में तमाम नेता जुड़ी है, क्या कहेंगे तमाम तस्वीरों को देखकर? देखिए सारे नेता यहाँ पर बीजेपी के नेताओं की मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, साफा पहना दो, माला पहना दो, बुके पहना दो, शॉल ओढ़ा दो और 4 आदमी इधर चलो, 4 आदमी इधर चलो, ये है धरातल पे काम नहीं हो रहे हैं। आज अगर महिला स्मिता की बात आती है तो मैं आपको कहती हूँ लगातार 1 से 1.5 महीने तक डिंपल मीणा के लिए
बैठे थे शहीद स्मारक पे, उसका परिवार बैठा था, हम लोग बैठे थे, कहाँ गया था बीजेपी और कहाँ गई थी आपकी आपकी बीजेपी सरकार, भजन लाल जी सरकार भजन करने में अभी व्यस्त है, उनको सरकार चलाना नहीं आता है। 9-10 महीने गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम किसी भी क्षेत्र में नहीं उठाया है। हम अभी बात करते हैं सिर्फ अग्निगर्भा की, हमें महिलाओं को न्याय चाहिए, हम सबको अधिकार चाहिए, हम सबको सुरक्षा चाहिए। अग्निगर्भा एक कार्यक्रम है जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, सेल्फ डिफेंस का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमें महिलाएं निशुल्क जुड़ेंगी और ये कार्यक्रम पहला कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है 4 सितंबर को नारायणा हृदयालय के पास में प्रताप नगर में कच्ची बस्ती में, वहां से हम शुरुआत कर रहे हैं। अब तक हमारे पास में 35 से 40 महिलाओं के रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं जो कि कचरा बीनने वाली महिलाएं हैं। ये हमारा 3 महीने का अभियान हमने अभी शुरू किया है, 10-10 दिन का ये कैंपेन है जो हर क्षेत्र में हर जगह लगाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन हमने तो पहले कहा निशुल्क है, रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि अपना नाम लिखवाएं। और दूसरी बात, मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, कचरा बीनने वाली जो महिलाएं हैं वो उनको सुरक्षा तो चाहिए लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से अगर हम देखें तो वो महिलाएं ऐसे नहीं जुड़ती हैं ऐसे कार्यक्रमों से। इसलिए हमने जो समापन का कार्यक्रम रखा है 10-10 दिन की कैंपेनिंग के बाद में जो कच्ची बस्तियों का कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं, समापन के समय उनको कोई प्रशस्ति पत्र नहीं दिया जा रहा या उनको कोई अवार्ड नहीं दिया जा रहा, क्योंकि प्रशस्ति पत्र और अवार्ड उनके लिए कोई काम का नहीं है। इसलिए हमने राशन वितरण का भी उसी दिन कार्यक्रम रखा है कि जिस दिन कच्ची बस्तियों का कार्यक्रम समापन होगा उस दिन उन्हीं कच्ची बस्तियों की महिलाओं को राशन भी वितरण किया जाएगा। ट्रेनर हमारे पास में है शुभम सक्सेना है जो टाइकोंडो एक्सपर्ट है, ब्लैक बेल्ट है, उनकी पूरी टीम जो है प्रशिक्षण देने वाली है। वैसे देखिए कि अभी तो मैं ही इसको लीड कर रही हूँ तो मेरे उनके आदेश से ही कर रही हूँ, मेरे शीर्ष पे जो बैठे हैं जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, वो हैं तभी मैं हूँ। तो ये मैं ये समझ लीजिए कि मुझे मैं एक चेहरा बन के आई हूँ लेकिन उनके आशीर्वाद से और उनके सपोर्ट से ही ये कार्यक्रम किया जा रहा है। हाँ प्रदेश में भी देखिए, हम राजधानी में बैठे हैं, हम जयपुर में बैठे हैं, राजधानी से ये कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है मेरे द्वारा और उसके बाद में हम लोग इसको हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गायत्री बिश्नोई जी, वो आज हमारे बीच में अभी यहाँ पे नहीं है लेकिन 4 तारीख को जब कार्यक्रम का शुभारंभ होगा तब वो होंगी, तो उनका भी यही कहना है कि हम पूरे हर जिले के अंदर इस तरह के कार्यक्रम रखें।